नमस्कार मित्रों, श्री रसायन देवो नमः। उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा थी हूँ देवांग प्रजापति। मारी आ यूट्यूब चेनल के जेनु नाम छे देवांग सर केमिस्ट्री नी अंदर आप सौनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ मित्रों। आज रोज विद्यार्थी मित्रों आपणे धोरण 11 गुजराती मीडियम નું પ્રકરણ હાઇડ્રોજન એની અંદર વિડિયો નંબર 3 ની અંદર હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ H2O2 વિશેની ચર્ચા વિશેષમાં કરીશું મિત્રો। આજનો આપણો કમ્પ્લીટ સેશન જે છે મિત્રો એ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ H2O2 ઉપર રહેવાનો છે, જે વિડિયો નંબર 3 છે મિત્રો। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ છીએ આજનો આ સેશન। ધોરણ 11 ગુજરાતી મીડિયમ કેમિસ્ટ્રી અકાર્બનિક રસાયણ વિજ્ઞાન, જેનું પ્રકરણ આપણું છે હાઇડ્રોજન। ઉપનિષદ સાયન્સ એકેડમી રાજકોટ અને લીમખેડા આપણી બે બ્રાન્ચો છે મિત્રો, જેમાંથી હું દેવાંગ પ્રજાપતિ એમએસસી બીએડ છેલ્લા 8 વર્ષથી रसायन विज्ञान नो अभ्यास करावी रह्यो छुं मित्रों। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आजनो आपणो आ विडियो छे मित्रों। हवे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एटले शुं, तो के हाइड्रोजन पेरोक्साइड नुं सूत्र तमने पहेला आपी दऊं H2O2, जेने आपणे हाइड्रोजन पेरोक्साइड तरीके ओळखीए छीए। वीडियो ने स्टार्ट करूँ ते पहला जे विद्यार्थी मित्रों आपणी चेनल में नवा छो मित्रों, ते विद्यार्थी मित्रों चेनल ने सब्सक्राइब जरूर थी करी देजो मित्रों, तथा बाजू में जो बेल आइकॉन आपेलो छे तेनी अंदर ऑल बटन ने चूज अथवा तो पसंद करवू, जेथी करीने मित्रों तमने नवा विडियोना नोटिफिकेशन सौथी झड़पथी मळशे। तो चालो मित्रों हवे शरू करीए छे आजनो आपणो आ विडियो हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपरनो। तो सौ प्रथम आपणे जो बात करिए मित्रों तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जे छे H2O2, जो अहींया तमने एक बॉटल देखाई रही है हाइड्रोजन पेरोक्साइडनी, बराबर छे। हाइड्रोजन पेरोक्साइडनुं बंधारण आवुं कंईक छे मित्रों। तो आपणे बात करिए मित्रों रोजिंदा जीवन में औद्योगिक रीते निर्माण पामता प्रदूषकोनुं नियंत्रण करवा माटे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एटले के H2O2 एक अगत्यनुं उपयोगी रसायन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घरेलू और औद्योगिक एकमों में बहार छोड़वामां आवता नकामा प्रवाही जे होय छे, अंग्रेजी में जेने आपणे एफ्लुएंट्स कहता होईए छीए, प्रदूषण मुक्त उपचार में वपरातुं एक अगत्यनुं रसायन केमिकल छे मित्रों। सौ प्रथम आपणे हाइड्रोजन पेरोक्साइडनी बनावटनी वात करीशुं मित्रों। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने नीचेनी पद्धतिओ द्वारा आपणे बनावी शकाय छे। कई कई पद्धतिओ छे ते आपणे एक एक करीने मित्रों जोईशुं। सौ प्रथम पद्धति जे छे एने आपनार वैज्ञानिक छे J.L. थेर्नोड। तेओना कहेवा मुजब पद्धति केवी छे जोईए। बेरियम पेरोक्साइड अने सल्फ्यूरिक एसिड वच्चे प्रक्रिया करीने हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेळव्यो हतो। तेओए थेर्नोडे शुं करेलुं, बेरियम पेरोक्साइड अने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बंनेनी वच्चे प्रक्रिया करी अने तेमांथी हाइड्रोजन पेरोक्साइड एटले के H2O2 मेळव्यो हतो। तो मित्रों जोईए ते दरमियान थती रासायणिक प्रक्रिया ने आपणे। तो आ छे बेरियम पेरोक्साइड, एनी सल्फ्यूरिक एसिड साथे आपणे प्रक्रिया करवामां आवे तो बेरियम सल्फेट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जे आपणे जोईए छे ते अने पाणीना अणु दूर थाय छे। तो मित्रों आ छे आपणी बनावट नंबर 1, बराबर है। त्यारबाद बीजी पद्धति तरफ આપણે આગળ વધીએ. બીજી પદ્ધતિ છે આપણી પાસે પર ડાયસલ્ફ્યુરિક એસિડ, કે જેનું અણુસૂત્ર છે H2S2O8 ના વિદ્યુત વિભાજનથી હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો સૌ પ્રથમ HSO4 - 1 એનું વિદ્યુત વિભાજન કરવામાં આવશે મિત્રો, એટલે આપણને H2SO8 કે જેને પર ડાયસલ્ફ્યુરિક એસિડ આપણે કહેવાય છે. જો અહીંયા आनी गणतरी करो तमे, हाइड्रोजन 2 है 1 અને 2, सल्फर 1 અને 2 S2 अने O8 3, 4, 5, 6, 7 ને 8 जेने आपणे शुं कहीए छीए पर डायसल्फ्यूरिक एसिड. तो आ पर डायसल्फ्यूरिक एसिडना विद्युत विभाजन आपणे करवामां आवशे. एनुं विद्युत विभाजन तमे करो बराबर, तो एनाथी हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपणे मेळवी शकीए छीए. जड़ विभाजन त्यारबाद एनी प्रक्रिया करशुं आपणे, जेमांथी आपणने HSO4 - 1 पर डायसल्फेट आयन प्लस 2H+1 तथा आपणे जोईती मुख्य निपज H2O2 के जेने आपणे शुं कहीए छीए हाइड्रोजन पेरोक्साइड नी बनावट करी शकाय छे. तो आ पर डायसल्फ्यूरिक एसिड वाली बनावट छे आपणी प्रक्रिया नंबर 2 छे मित्रों, बराबर छे. त्यारबाद हालमां प्रयोगशाळामां आ पद्धति जे छे ए खास करीने H2O2 नी जग्याए जो D2O2 होय, D2O2 जेने शू कहवाय ड्यूटेरियम पेरोक्साइड. तो आ ड्यूटेरियम पेरोक्साइड नी बनावट माटे हालमां प्रयोगशाळामां आ पद्धति उपयोगमां लेवाय छे. हवे ते दरमियान थती प्रक्रिया मित्रों अहींया नीचे लखू छूं, बराबर, जे तमे नोंध लई लेजो. K2S2O8 हाइड्रोजन नी जग्याए पोटेशियम छे वत्ता D2O H2O ની જગ્યાએ D2O લેવાનો છે, ड्यूटेरियम, બરાબર, પાણી, ભારે પાણી. એની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે એટલે આપણને નિપજમાં KdSO4 મળે છે વત્તા D2O2, એટલે કે આપણે જે વાત થઈ એમ ड्यूटेरियम पेरोक्साइड, बराबर, निपज આપણને મળે છે, બરાબર છે. તો મિત્રો હાલમાં આ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ લેબમાં આપણે કરીએ છીએ, વિદ્યુત વિભાજનવાળી પદ્ધતિનો ઉપયોગ, બરાબર છે. ચાલો ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીશું. બનાવટ નંબર 3 છે આપણી પાસે. ઔદ્યોગિક રીતે हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बनावो होय तो ते 2 अल्काइल एन्थ्राक्विनोल ना स्वयं ऑक्सिडेशन, એટલે કે સ્વયં નિયંત્રિત ઓક્સિડેશન દ્વારા બનાવી શકાય છે. તે દરમિયાન થતી પ્રક્રિયા આપણે જોઈએ મિત્રો. તો સૌપ્રથમ 2 અલ્કાઇલ એન્થ્રાક્વિનોલ આપણે લઈશું, જેની અંદર O2 એટલે કે હવા પસાર કરવામાં આવે તો આપણને H2O2 એટલે કે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ જે આપણને અથવા એની સાથે સાથે ઓક્સિડાઇઝ નિપજ પણ આપણને મળશે. H2O2+ बराबर है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने मळशे अने साथे साथे आपने बीजू पण ऑक्सिडाइज निपज आपने मळी शके छे। आ प्रतिवर्ती प्रक्रिया है। हाइड्रोजन अने पेलेडियम धातु साथे जो प्रक्रिया करवामां आवे H2O2 नी तो आपने वळी पाछुं 2-अल्काइल एन्थ्राक्विनोल पाछो परत मळी शके छे। तो आ छे बनावट नंबर 3। आ किस्सामां 1% H2O2 बने छे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1% बने छे, तेने पाणी साथे निष्कर्षित करवामां आवे छे। त्यारबाद तेने नीचा दबाणे निस्यंदन द्वारा 30% एटले के दळ प्रमाणे सुधी सांद्र बनाववामां आवे छे, अप टू 30% सुधी। तेने नीचा दबाणे निस्यंदन द्वारा वधु काळजीपूर्वक 85% दळ प्रमाणे सुधी सांद्र बनावी शकाय छे, दबाण नीचू लई जवामां आवे तो। बाकीना पाणीने बरफ बनावीने शुद्ध H2O2 एटले के हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपणे मेळवी शकीए छीए मित्रों। तो आ छे मित्रों हाइड्रोजन पेरोक्साइड नी अलग अलग 3 बनावटो बराबर छे। त्यारबाद आपणे आगळ वधीशुं मित्रों। कोविड-19 ना लीधे आपणे आ प्रकरणना घणा बधा मुद्दाओनो अभ्यास नथी करी रह्या मित्रों। बोर्ड प्रमाणे जे आपणे पीडीएफ बहार पाडवामां आवेली छे एने अनुरूप ज मुद्दाओ आपणे अभ्यास करी रह्या छे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइडना बधा ज मुद्दाओनो आपणे अभ्यास नथी करवानो मित्रों। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 9.7 आपणो मुद्दो छे, एनी अंदर 9.7.1 एनी बनावट आपणे अभ्यास करवानी छे। त्यारबाद एना भौतिक गुणधर्मोनो अभ्यास नथी करवानो मित्रों, एनुं બંધારણ पण आपणे नथी भणवानुं। सीधा आपणे जईशुं 9.7.4 मुद्दा नंबर अहींया लखू छुं साइड में 9.7.4। टॉपिक छे आपणो रासायणिक गुणधर्मो, हाइड्रोजन पेरोक्साइडना रासायणिक गुणधर्मो जे आपणो छेल्लो मुद्दो छे आ प्रकरणनो, तेनी आपणे चर्चा करीए। चालो मित्रों, तो आपणे वात थई 9.7.4 रासायणिक गुणधर्मोनी मित्रों। सौप्रथम हाइड्रोजन पेरोक्साइड जे छे ऑक्सिडेशन करता तेमज रिडक्शन करता एम बन्ने तरीके एसिडिक अने बेसिक एम बन्ने प्रकारना माध्यम में कार्य करी शके छे। डबल डोलकी जे आतो जोकर जेवुं कामकाज छे ते ऑक्सिडेशन करता तेमज रिडक्शन करता बन्ने तरीके एसिडिक अने बेसिक एम बन्ने प्रकारना माध्यम में ते कार्य करी शके छे। सारू कहवाय, आपणे कोई तकलीफ नहीं भाई। ज्यारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सिडेशन करता तरीके होय त्यारे ऑक्सिडेशनना दरेक परमाणुना ऑक्सिडेशन आंक -1 मांथी -2 थाय छे। आ वस्तुनु आपणे खास नोंध लेवानी छे मित्रों, जे तमारी पाठ्यपुस्तक में आपेली नथी मित्रों, बराबर छे। त्यारबाद रासायणिक गुणधर्मोनी अंदर आपणे एक एक करीने प्रक्रियाओ जोईशुं। एसिडिक मध्यम में सौ प्रथम एसिडिक मध्यम में ऑक्सिडेशन असर थाय छे, तो ते दरमियान कई रासायनिक प्रक्रिया थाय छे तेनी आपणे चर्चा करीशुं मित्रों। तो सौ प्रथम 2Fe+2 आयन जे छे H2H+ साथे प्रक्रिया करी H2O2 अने आपने निपज आपे छे Fe+2 मांथी 2Fe+3 बनी जशे। वत्ता पाणीना 2 अणु मुक्त थशे, बराबर छे। आ हती प्रक्रिया नंबर 1। त्यारबाद साथे साथे PbS, लेड सल्फाइड वत्ता हाइड्रोजन पेरोक्साइड साथे प्रक्रिया करवामां आवशे तो आपने PbSO4 वत्ता 4 पाणी आपे छे। बधी ज प्रक्रियामां संतुलन जाते मित्रों करवानुं छे, बराबर। तो आ छे एसिडिक माध्यममां ऑक्सिडेशन असर वखते थती प्रक्रिया। Fe+2 मांथी Fe+3 मां रूपांतरण पामे छे अने H2H+ H2O2 मांथी पाणी मळे छे आपणे। अने PbS वत्ता हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रक्रिया करवामां आवे तो लेड सल्फेट अने पाणीना अणु मुक्त थाय छे, बराबर। त्यारबाद एसिडिक मध्यम में रिडक्शन असर, ऑक्सिडेशन असर नी प्रक्रिया जोई। हवे रिडक्शन असर नी प्रक्रिया जोई आपणे। 2 MnO4 - 1 वत्ता हाइड्रोजन आयन वत्ता हाइड्रोजन पेरोक्साइड साथेनी प्रक्रिया करवामां आवे तो आपने निपज में 2 Mn+2 वत्ता पाणीना अणु वत्ता ऑक्सीजन वायु मुक्त थाय छे। एसिडिक माध्यम में रिडक्शन असरनी आ प्रथम प्रक्रिया। साथे साथे HOCl वत्ता हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने H3O+ एटले के हाइड्रोनियम आयन वत्ता Cl- क्लोराइड आयन अने ऑक्सीजन वायु मुक्त थाय छे। आ वात थई गई एसिडिक माध्यम में रिडक्शन असर विशेनी। त्यारबाद रासायणिक गुणधर्मों में आगळ वधीए मित्रों। आपणे बेसिक माध्यम में ऑक्सिडेशन असर, एसिडिक माध्यम में ऑक्सिडेशन असर, एसिडिक माध्यम में रिडक्शन असर। त्यारबाद तीजी प्रक्रिया है बेसिक माध्यम में ऑक्सिडेशन अने पछी बेसिक माध्यम में रिडक्शन, बराबर। आ 4 अलग अलग प्रक्रियाओं आपणे जोवानी छे। तो सौ प्रथम 2 Fe+2 H2O2 साथे प्रक्रिया करी Fe+2 मांथी आपने Fe+3 आपशे अने हाइड्रोक्साइड आयन छूटो पड़ी जशे। आ तो एकदम सरल छे, बराबर छे। लाडवो खाई जवानो एकदम सरल छे। त्यारबाद Mn+2 आथी प्रथम प्रक्रिया। बीजी प्रक्रिया जोईए। Mn+2 जे छे ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड साथे प्रक्रिया करशे ने आपने +2 मांथी Mn4+ आपशे वत्ता हाइड्रोक्साइड आयन दूर थशे, बराबर है। आ थई गई बेसिक माध्यम में ऑक्सिडेशन असर, बराबर। जो तमने एकदम शॉर्ट में कही दऊं, पहली प्रक्रिया थी आपणे एसिडिक माध्यम में शॉर्टकट एसिडिक माध्यम ऑक्सिडेशन असर MnO एसिडिक माध्यम ऑक्सिडेशन असर। बीजी प्रक्रिया एसिडिक माध्यम ए मां, आ तो लखवानुं ज छे भाई, रिडक्शन असर RE। त्यारबाद त्रीजी प्रक्रिया तमारा सामे छे अहींया जो बेसिक माध्यम 2 मां OA बेसिक माध्यम ऑक्सिडेशन असर। अने चौथी अने अंतिम प्रक्रिया है आपणी बेसिक माध्यम RE रिडक्शन असर, बराबर। एटले आ रीतना शॉर्टकट में तमे मित्रों याद राखी सको छो 1, 2, 3, 4 प्रक्रियाओ। चलो अंतिम प्रक्रिया तरफ जईए छे मित्रों। बेसिक माध्यम में रिडक्शन असर। तो सौ प्रथम I2 H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड साथे प्रक्रिया करी हाइड्रोक्साइड आयन साथ अपने आपसे आयोडाइड आयन वत्ता पाणी वत्ता ऑक्सीजन। बीजी प्रक्रिया 2 MnO4 - 1 वत्ता हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने निपज में 2 MnO2 मैंगनीज डायोक्साइड वत्ता ऑक्सीजन 2 पानी वत्ता बे पाणी अने 2 हाइड्रोक्साइड आयन आपने आपे छे। बराबर है मित्रों, तो आ है रासायनिक गुणधर्मों में थती अलग अलग असरो। बराबर है मित्रों, कोईपण डाउट होय आ प्रकरणनी अंदर आपणे 3 अलग अलग विडियो जोई छे मित्रों, अने जेना परिणाम रूपे आपणे आ हाइड्रोजन प्रकरण अहीं पूर्ण करीए छे मित्रों। कोईपण डाउट होय तो कॉमेंट बॉक्सनी अंदर जई तमे कॉमेंट करी सको छो, तथा मारी टेलिग्राम चेनल पण छे जेनी अंदर पण तमे जोईन थई सको छो मित्रों। बराबर है मित्रों, आवजो, चेनल साथे बन्या रहेजो मित्रों। चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता, तथा वीडियो पसंद आव्यो होय तो लाइक करवानुं ना भूलता। आवजो, थैंक यू।